हेलो ट्रेडर्स वेलकम टू आई चैनल डेटा फॉर ट्रेडर सो दो साल पहले मैंने एंजल वन की पीआई को कवर किया था एंड दैट थ्री इज वेरी पॉपुलर ऑन माय चैनल बट आफ्टर डेट एंजल ने बहुत चीज़ चेंज हुई इवन जो लॉग का मैथड है वो भी चेंज हो चुका है अब तो सो आई थॉट क्यों नहीं इसको हम फिर से अपडेट करते हैं और मैं फिर से एंजल की पेय को कवर कर रहा हूँ और जो अभी करंट सिचुएशन है मीन जो भी अभी करंट फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे ओके रूटेज फर्स्ट पार्ट ऑफ एंजल वन और जहाँ डिस्कस करने वाले हैं लॉग कैसे में लॉग करना है एंजल वन की ए में तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे तो so, मैंने जो भी स्टेप्स हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो अपना बारह स्टेप जो है हमें ए की जनरेट करनी होगी ओके सो इसके लिए आपको ओपन करना दे सू आर ओके नाव ओपन दिस वन एंड यू कैन सीअर साइन अप ऑन दिस साइन अप पेज यू हैव टू एंटर रिक्वायर्ड डिटेल और यहाँ पे जो ई मेल और मोबाइल नंबर है ये आपका सेम ही होगा जो आपने एंजल के अकाउंट में सेट uh, किया हुआ okay? so, है ओके नाव यू कैन लॉग इन सो मेरे केस में ऑलरेडी मैंने साइनअप कर रखा है सो आई एम गोइंग टू जस्ट लॉग इन जस्ट लॉग इन विथ योर ई मेल आई डी एंड पासवर्ड ओके आफ्टर डैट यू हैव टू जनरेट ए पी आई की यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट एन ऐप ओपन दिस वन और यहाँ पे आपको आपको डिटेल एंटर करनी है ओके okay, सो so यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आता लोगों का यहाँ कौन सी पे सेलेक्ट करें तो आपको सिंपल सेलेक्ट करना है ट्रेडिंग पे ओके यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है ट्रेडिंग पे ये आप चूज कर लो और यहाँ पे आपको नाम देना है एनीथिंग सो सोलेट से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ डी ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको एंटर करना है रिडायरेट वरल तो अपने को पर्सनली यूज करना है सो जस्ट आवर लोकल होस्ट एड्रेस ओके तो एस एंड वन टू सेवन यहाँ पे लोगों की फेरी जाती है कि यहाँ पे हम क्या इंटर करें जस्ट इंटर दिस वन ओके एंड आई एम आल्सो गोइंग टू एंटर पोर्ट हीयर सो आप पोर्ट स्किप कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया ओके एंड आफ्टर दैट ये ऑप्शनल है तो so, हम इसे स्किप कर देते हैं आई भी ऑप्शनल है ओके एंड नाउ क्रिएट ऐप एंड नाउ यू कैन सीयर डी एफ टी एप ओके यहाँ मैंने ऐप को क्रिएट कर दिया है so, तो यहाँ पर आपको जो ए पी आई की है उसको नोट डाउन करना है ओके जस्ट कॉपी दिस ए पी आई की एंड यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं सो जस्ट एड वन मोर से लियर तो अपना फर्स्ट पैरामीटर था एपीआई की कैसे फिक्स करते मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अब आते हैं सेकंड स्टेप पे इनेबल्ड डी ओटीपी फीचर इसके लिए आपको अगेन सेम वेबसाइट पे जाना है और यहाँ आप पे आपको दिख जाएगा इनेबल्ड डी ओटीपी का ऑप्शन ओके नाउ क्लिक हियर अब यहाँ पे आपको एंजरमेंट की जो आई डी ऐप है क्लाइंट आई डी उसे एंटर करना है एंड पिन ओके सो आई एम गोइंग टू एंटर आई डी एंड पिन हियर अब यहाँ पे आपको क्यू आर कोड मिलेगा एंड ऑल्सो तो आपको एक की कॉपी करनी ओके okay, हमें क्यू आर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है बट वाट यू कैन डू आपके पास अगर कोई ऑथेंटिकेटर ऐप है तो आप उसको स्कैन कर सकते हो बट अपने वो कोड में केवल एक की की रिक्वायरमेंट ओके कॉपी दिस की ओके एंड सेफ समवेयर वी आर ऑलमोस्ट डन विथ आवर पैरामीटर्स इसके अलावा दो और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी एक है यूजर आई डी ओके यूजर आई डी एंड सेकेंड है आपका पिन ओके okay, तो आप जब भी लॉग इन करते हो तो आप फोर डिजिट का पिन यूज करते होगे okay. तो आपको यहाँ पर पिन चाहिए होगा बन, let's say, पिन इज वन टू थ्री फोर एनीथिंग यहाँ पे अपने को चाहिए चार इन्फॉर्मेशन ए पी आई की टी ओटीपी की यूजर आई डी एंड पिन जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर थे लॉग इन करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वो कहाँ से मिलेंगे अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे इंस्टॉल पाइथन लाइब्रेरी ओके तो इसके लिए हम आते हैं इनकी गिटअप पेज पे ओपन दिस लिंक दिस इज गिट पेज ऑफ स्मार्ट ए पी आई और यहां पर आपको डाउनलोड करनी है दिस फाइल रिक्वायरमेंट अंडर स्कोर डी बी डॉट डी एस टी ओके यू कैन क्लिक ऑल्सो ईयर और यहाँ पर आप आपको फाइल मिल जाएगी तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो इसको फ्रॉम दिस बटन ओके डाउनलोड रॉ फाइल तो बेसिकली इस फाइल में जो भी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी है उसकी लिस्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना ये है हाँ, स्मार्ट ए पाई पाइथन ओके okay? और इसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जैसे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट है याब सॉकेट क्लाइंट है तो सारी लाइब्रेरी अपने को इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो या तो आप वन बाई वन करो जो कि बहुत हीटिक हो जाएगा तो बेटर क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट फाइल डाउनलोड करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं सिंपल तो आपको डाउनलोड करनी है आफ्टर डाउनलोडिंग आपको इसे पेस्ट करना है आपकी किसी लोकेशन पे तो कैसे इसे आप पेस्ट करोगे सिंपल है फाइल डाउनलोड करो एंड यू कैन ऑलसो यूज दिस कमांड इम्पोर्ट ओ एस ओ एस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी ओके गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरे केस में ये यू आर है ओके okay? तो मैंने क्या क्या किया है मैंने सेम फाइल को यहाँ पेस्ट कर रखा है यू कैन सी यर रिक्वायरमेंट अंडर स्कोर डेव ओके ये लोकेशन कहाँ पर कैसे फिक्स करना है यू कैन यूज दिस कमांड सॉरी दिस लाइन इसके थ्रू तो आपको लोकेशन मिल जाएगी आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है एंड यू हैव टू रिप्लेस एंड यू हैव टू पेस्ट हियर ओके यू कैन क्लिक हीयर और यहाँ पे सेम थिंग है फाइन तो अपने को भी इंस्टॉल करना है तो बहुत ही सिंपल है बस हम यहाँ पे कॉपी करेंगे यहाँ पर कमांड दे रखा है कैसे से इंस्टॉल करना है वेरी तो सिंपल प्रोसेस यू so, कैन सी यर पिप इंस्टॉल आर टू गण डेव डॉट टी एस टी जस्ट कॉपी दिस वन एंड एंटर हेयर सिंपल और हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं इसको सिंपल एंड जस्ट पिट यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्स हैं बट यू कैन इग्नोर दिस पार्ट क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मेरे पर्टिकुलर सिस्टम की है ओके मे बी इधर आपके सिस्टम पे नहीं आएगा बट कैसे इंस्टॉल करना है लाइब्रेरीज को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यू हैव टू डाउनलोड दिस फाइल अगे मैं रिपीट कर रहा हूँ यू टू डाउनलोड दिस रिक्वायरमेंट डेव ओके और आपको इसको रिप्लेस करना है सॉरी आपको इसको मूव uh, करना है दिस सेम लोकेशन ओके एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज दिस कमांड पे पी इंस्टॉल आर रिकॉर्मेंट टेक्सट सिम्पल आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन वाट यू कैन डू यू कैन ऑल्सो रिस्ट द कर्नल और यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि इंस्टॉल मैंने किया है बट अगेन वो पीरियड शो कर रहा है तो आपको क्या करना होता है सिंपल आप चेक कर लो सिंपल टाइप हियर पिप ओके सो अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉल किया है सो बेसिकली हमारा कंसर्न क्या है पाइथन सॉरी स्मार्ट ए सो यू कैन सी अ स्मार्ट ए ओके तो अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉल किया होगा सो यू हैव टू सी ईर यू हैव टू रन दिस वन सिंपल लाइन पिप सो स्मार्ट ए पी अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉल किया होगा तो so आपको यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी इसकी इंस्टॉलेशन की जस्ट पेट एंड सी नाउ यू कैन सी अ लोकेशन ऑफ दिस इंस्टॉलेशन ई एन E ई एन वी एन समथिंग ईयर ओके इसका मतलब क्या है कि हमने स्मार्ट एपीआई को प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया है तो आपको क्रॉस चेक करना होगा जब आप इंस्टॉल करोगे यू ऑल्सो तो क्रॉस चेक कि आपने स्मार्ट ए इंस्टॉल की है कि नहीं ओके ये सारे पॉइंट मुझे अक्सर आए हैं इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो डिटेल में कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है फिर कैसे क्रॉस चेक करना है हमने ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस कंप्लीट कर ली है अपने लॉग इन करना है एंड दिस इज आवर लॉग इन कोड जिसके थ्रू आप ये पता कर पाओगे कि आपका लॉग इन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं अब यहाँ पर क्या रिप्लेस करना है आपको ए की यूजर नेम पिन ओके पाई ये आपको चार चीज़ें रिप्लेस कर दी और कैसे आती है ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ओके सो यू कैन जस्ट कॉपी दिस वन ओके सो वाट यू कैन डू यू कैन सी ईयर ए पी आई की ओके तो रिप्लेस यीयर ए पी आई की एंड यहाँ पे अपना टी ओ टी पी की है सो यू हैस यर टी ओ टी पी टू की एंड यूजर आई डी सिंपल तो ये यूजर ने, यूजर नेम है ओके एंड पिन करेक्ट ये पिन है ओके सो नाउ रन दिस कोड एंड सी वाट हैपन सो क्लिक क्लिकर एंड वेट सो नाउ वी सक्सेसफुल लॉग इन And यू कैन सी the डिटेल्स आई थिंक यू गेट आइडिया कैसे एंजियवर में लॉग इन करते हैं और लॉइन के जो भी पैरामीटर रिकॉर्ड था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे इसे फिक्स करना है और कैसे लाइब्रेरी को इंस्टॉल करनी है वो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया सो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ये फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट में हम जाएंगे मास्टर लिस्ट पर जो भी नए फीचर्स एड हुए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो भी एनजर में कुछ नए फीचर्स एड हुए हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लन करूँगा इस सीरीज में ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो सीरीज शू माई नेक्स्ट वन ओवर एंड आउट